ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जी हाँ, इन्हीं लाइनों से जुड़े एक शख्स की आज हम बात करने वाले हैं, जिनका नाम है टी नटराजन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सेलिब्रिटी विकी में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जो आपके दिल के बहुत ही करीब हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टी नटराजन, जिनका पूरा नाम थंगरसु नटराजन है। नटराजन का जन्म सलेम तमिलनाडु के छोटे से गांव चिन्नप्पामती में 27 मई 1991 को हुआ। वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता थंगरसु हथकरघा बुनाई यानी हैंडलूम वीविंग का काम करते हैं। उनकी माँ संता रोड पर चिकन का ठेला लगाती थी, जहाँ नटराजन भी कभी कभी काम किया करते थे। नटराजन बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। जयप्रकाश, उनके पड़ोसी और उनके कोच, जिन्हें वे अपना बड़ा भाई मानते हैं, उन्होंने ही नटराजन को खेल के लिए प्रोत्साहित किया। एक इंटरव्यू के माने तो नटराजन के पिता उनके पढ़ाई और बाकी के खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण उन्हें खेलने से मना कर दिया, लेकिन उनके कोच ने उनके अंदर वो बात देख ली थी। तो जयप्रकाश नटराजन को चेन्नई ले गए। उन्होंने नटराजन के कॉलेज से लेकर कपड़ों तक का पूरा खर्च उठाया। नटराजन बताते हैं कि उनके परिवार के पास कभी कभी खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। नटराजन बॉलिंग करते थे। बॉलिंग करते वक्त उनके पास ना ही तो शूज और ना ही किट थी, तो 2 साल तक बिना शूज के ही उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ा। मानना पड़ेगा नटराजन का ये जज्बा काबिले तारीफ था। तो ये तो ही नटराजन की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। आइए अब बात करते हैं उनके करियर के बारे में। नटराजन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू 5 जनवरी 2015 को रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु में हुआ। हालांकि 2015 में गलत एक्शन के कारण उनको बैन का सामना करना पड़ा और अब एक्शन को सुधारने में उन्हें 1 साल लगे। और 2016 में तमिलनाडु प्रीमियर लीग में शानदार वापसी के साथ 7 मैचों में 10 विकेट लिए। लेकिन सबसे शानदार बात यह थी कि सुपर ओवर में 6 यॉर्कर्स फेंकने का कारनामा किया। और ये इसी कारनामे को देखते हुए 2017 फरवरी में किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें 3 करोड़ में खरीदा और सबको चौंका दिया। हालांकि 2017 में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और 2018 में सिर्फ 40 लाख की कीमत में सनराइज हैदराबाद ने उन्हें खरीदा और वहां वो चोटिल हुए, जिसके कारण 2018 और 2019 को खेल नहीं पाए। लेकिन 2020 यूएई में अच्छा प्रदर्शन करके सबको इम्प्रेस कर लिया। फिलहाल तो वे अभी अपने ऑस्ट्रेलिया टूर पर हैं, जहां वो यॉर्कर्स के दम पे सबका दिल जीत रहे हैं और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। तो ये थी हमारी नटराजन से जुड़ी हुई आज की कहानी। ऐसे ही आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज के बारे में हम आपके पास वीडियोस लाते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए सेलिब्रिटी विकी। थैंक यू।